आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोले दुनिया में लोहा मनवा चुके प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध मजबूत बनाने का महान अवसर। जोशीमठ संकट को लेकर एक्शन में केंद्र और राज्य सरकार। आज एनडीएमए की टीम करेगी दौरा। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में लोगों को तुरंत हटाने की सिफारिश। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल हेड की गिरफ्तारी पर घमासान बढ़ा। आज लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी महिला नेता पर दर्ज करवाई एफआईआर। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक आज से कोलकाता में। 3 दिन तक वित्तीय समावेशन के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप पर मंथन। जयपुर पेपर लीक केस में राजस्थान सरकार का एक्शन। अवैध कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर। कोचिंग सेंटर से ही पेपर लीक होने का आरोप। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरुआत। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से पुलिस ने कई घंटे तक की पूछताछ। महिला कोच ने लगाए हैं यौन उत्पीड़न के आरोप। अमेरिका दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। न्यूयॉर्क में बोले परिवर्तनकारी सुधारों से भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दिल्ली से गोवा जा रही गोफर्स की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी। विदेशी टूरिस्ट ने की अश्लील बातें। 2 यात्रियों को सीआईएसएफ के हवाले किया गया। उत्तर भारत समेत दिल्ली में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर का सितम जारी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक घना कोहरा। 29 ट्रेनें चल रही हैं लेट। लो विजिबिलिटी से उड़ानों पर असर। अमरोहा में लापता 5 साल के बच्चे का शव बरामद। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शुरू की जांच। वंदे भारत ट्रेन पर फिर हुआ पथराव। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने वाली ट्रेन पर बिहार के बारसोई इलाके में पथराव। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी की एक फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर धावा। बोला जमकर मचाया उत्पात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।